नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नवीन शिक्षा सत्र विगत माह से प्रारंभ हो गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए तरह तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं ताकि लोग संक्रमण से बचे रहें, सुरक्षित रहें, जिसके कारण विद्यालय नहीं खुल पाए हैं। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई न रुके इसके लिए बहुत से नवाचार अपनाए हैं, जैसे कि डिजी लैब अर्थात दक्षता संवर्धन कार्यक्रम, हमारा घर हमारा विद्यालय, रेडियो से प्रसारण, दूरदर्शन, केबल टीवी आदि। मंडला की नवागत कलेक्टर हर्षिका सिंह ने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रथम प्राथमिकता देने की अपनी मंशा जाहिर कर चुकी हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला जिले की स्कूली शिक्षा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग अपने अमले के साथ बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक्शन में आ गया है। इसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी मंडला निर्मला पटले और ADPC मुकेश पांडे ने हाई स्कूल सीमा खापा और गाजीपुर में अध्ययनरत करने वाले विद्यार्थियों और उनके पालकों से डोर टू डोर संपर्क किया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सीमा खापा प्राचार्य अखिलेश चंदोल, शिक्षा कृष्ण कुमार हरदहा, कमलेश हरदहा, पवन नामदेव, कविंद्र सुरेश्वर विद्यार्थियों के घर गए और उन्हें और उनके पालकों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए। बच्चे के माध्यम से अध्ययन कर रहे की जानकारी लिए, कॉपियों का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश मार्गदर्शन दिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को मास्क और पुस्तकें भी वितरित की गयी।